Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक. So today we are here at Narkanda and मेरे साथ है अनमोल. ये है handsome boy. मैंने अपने first vlog में भी इसको दिखाया था. विशाल. ये है मोनी, my friend. अभी धूप का आनंद लेते हुए. और तो गाइज, काफ़ी टाइम के बाद आज है हमारा वीकली ऑफ, तो हमने सोचा कहीं घूमने जाते हैं. तो हम आए हैं तानी जुब्बर, जो कि नारकंडा में है. तो दिखाती हूँ आप सभी को यहाँ का व्यू. सो गाइज, इस जगह का नाम है तानी जुब्बर. इट्स लिटिल फार फ्रॉम नारकंडा, मतलब नारकंडा से ये आपका ओनली 2-3 किलोमीटर दूर ही है. और ये है बहुत अच्छा, और देख जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे यहाँ का व्यू है बहुत ही सुंदर. गाइज, वी आर हियर. ये है नारकंडा के साथ ही थोड़ा आगे, आई थिंक 2 or 3 किलोमीटर्स. नाम है जुब्बड़ हाटी करके कुछ नाम है. बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है जैसा कि आप सभी भी देख ही रहे होंगे. अच्छा व्यू है यहाँ पे. अभी हम इसके बाद जा रहे हैं हाटू पीक, जो कि एक माता का टेम्पल है और सब बहुत हाइट पे है. वहाँ उसकी हाइट है 8000 मीटर. तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको हाटू पीक. गाइज, आज है हमारा वीकली ऑफ, तो जितनों का भी ऑफ था मैं सभी को घूमने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इतने सारों का इकट्ठा ऑफ मिल पाता है. तो हम आए हैं घूमने आज. मोनी चलो. सो नाउ वी आर गोइंग टू हाटू पीक, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है और पूरा दिन नहीं है हमारे पास. हमें वापस भी जाना है, तो हम जा रहे हैं वापस, मतलब हाटू पीक नारकंडा. लगी है अब बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने सोचा कुछ खाना खा लेते हैं. तो हम हैं यहाँ पे नारकंडा में, जहाँ से हाटू पीक के लिए रास्ता जाता है. हम रुके हैं वहीं पे, थोड़ा बहुत खाना खा रहे हैं. हाटू पीक, जो कि नारकंडा में है. बहुत टाइम लग गया हमें और शाम के बज चुके हैं 4. अभी यहाँ पे स्नो भी गिरी हुई है, मतलब गिरी थी अभी तक है. यहाँ पे सबसे पहले स्नो गिर जाती है, अभी भी दिखने को मिली. हाँ, तुम यहाँ जाते साथ में है. हे गाइस, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये हाटू माता का टेम्पल. अभी बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा दिखने वाला है ये टेम्पल, क्योंकि इसकी हाइट है बहुत ही ज़्यादा. तो दिखाती हूँ आपको. सो गाइस, मैं आई हूँ बहुत टाइम के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए. तो यही लोग करेंगे मुझे सपोर्ट फोटोज और वीडियोस बनाने में. ये है हाटू मंदिर, और ये है हाटू. यहाँ पे व्यू है 360 डिग्री. दिखाऊं? दिखा. 360 व्यू. हाँ. और ये क्या नीरज मैम? गाइस, हम अभी पहुँच गए हैं हाटू पे, और यहाँ पे जो है 360 डिग्री का व्यू दिखता है यहाँ से, और 3400 फिट इसकी हाइट है जहाँ पे हम हैं अभी. मैं दिखाती हूँ आप सभी को. ठंड बहुत हो गई है. ये है व्यू, और जो ये दिखाई दे रही है हिमालयन रेंजेस. स्नो भी यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी मिलेगी अभी, क्योंकि 10-20 दिन पहले स्नो हुई थी यहाँ पे. ये व्यू, ये सब. तो अभी हैं हम हाटू में ही. यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी जगह घूमने के लिए. हम जस्ट घूम ही रहे हैं.
गाइस जैसा आप सभी देख रहे होंगे यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है, मतलब 360 डिग्री का हर चीज़ दिखाई दे रही है हमें यहाँ से, और हर एक रेंजेस दिखाई दे रही है, हिमालयन रेंजेस जो पूरी स्नो से कवर ही है। आई एम श्योर यू बैक साइड में आपको दिखाई दे रही होगी, आई थिंक चलो आ जाओ। तो गाइज अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि 5 बज गए हैं और यहाँ पे हाइट इसी है, धूप है, नीचे वाली जगह में पूरा मतलब अंधेरा होने वाला है, तो अब हम जा रहे हैं वापस। हमारा व्लॉग बहुत ही अच्छा रहा, मतलब हमने बहुत इन्जॉय किया और आप सभी को भी अच्छा लगेगा आई होप। व्यू तो देखो, व्यू बहुत ही अच्छा कसम से। हाटू पीक, हाटू माता का मंदिर है ये, बहुत ही पुराना है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है। ये सनसेट व्यू, शिमला है यहाँ से 71 किलोमीटर और मेन जो नारकंडा है वो है 7 किलोमीटर। लेट मी शो यू बोर्ड, दिखाई दे रहा है कि मैं फ्रंट से ले रही हूँ। इसमें लिखा है कि यहाँ की हाइट है 3400 मीटर्स जो हाइट है, और जो यहाँ से व्यू दिखता है वो है 360 डिग्री जो यहाँ से व्यू दिखता है। बहुत ही ठंड हो गया, बहुत ही ज्यादा ठंड। ये अभी ही ओपन है कुछ टाइम के लिए क्योंकि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे स्नो हो जाती है, मतलब सबसे पहले यहीं पे ही स्नो गिरती है, जब शिमला में गिरती है सबसे पहले इसी स्पॉट पे स्नो गिरती है, तो ये बेसिकली स्नो पॉइंट भी है। मैं अभी बैठी हूँ मंदिर के बाहर ही, सनसेट हो रहा है अभी। टाइम भी हो गया, नहीं तो हमारे पास थोड़ा और टाइम होता हम यहाँ पे ऑफ टाइम स्पेंड करते, बट तो अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, तो शाम हो जाएगी हमें ठियोग पहुँचते। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा इन्जॉय किया हम सभी लोगों ने, हमारा जो वीकली ऑफ था वो बहुत अच्छा गया क्योंकि आज हम पहली बार यहाँ पे आए इतनी अच्छी जगह पे जो इतनी हाइट पे है, मतलब हम दूसरों को रेकमेंड करते थे हम कभी नहीं आए, बट हम फाइनली आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो गाइज हम बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और शाम के बज चुके हैं 5, अब हमें वापस जाना है क्योंकि अब ठंड भी बहुत होगी और यहाँ पे स्नो भी जमी है, जो 10-15 दिन पहले गिरी थी स्नो, तो ये बहुत ठंडी जगह है इसलिए जल्दी स्नो भी मेल्ट नहीं हुई यहाँ पे। टू पीक्स इन द नारकंडा ओनली, सो
लेट मी शो यू समथिंग. ये दीज ऑल आर हिमालयन रेंजेस और ये है स्नो जो कि 10-20 दिन पहले गिरी थी और अभी तक जमी हुई है. यहाँ पे सबसे पहले ही यहीं पर ही स्नो गिरी थी और ये है सारे हिमालयन रेंजेस. ये वाली रेंजेस कौन सी है मैम? और ये किन्नौर वाली है. ये किसका फोन है? मेरा. कोई नहीं. और यहाँ से आपको 360 डिग्री भी मिलेगा. ये है 3400 फीट पे. यहाँ तो कुछ और लिखा नहीं है मैम पर. लिखा हुआ है मीटर, लिखा हुआ फीट तो लिखा ही नहीं हुआ. हाँ, और फीट कितना है? अरे जाओ विवेक जी, कोई बात नहीं. हाँ अरे बनाओ, वहाँ भी जाएंगे. तो फाइनली हम जा रहे हैं मंदिर. जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हम कर रहे हैं मंदिर में दर्शन. यहाँ पुजारी जी यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है और शाम को वो यहीं पे ही साथ में ही है. उनका अरेंजमेंट वहाँ चले जाते हैं, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को खुद ही टीका लगा रहे हैं. मोदी जी को एक धनवान गुणवान पुत्रवान मिल जाए. एंडिंग तो दो फिर. सो आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. माय फ्रेंड नीरज के ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें. और मेरा खुद का ब्लॉग है, शेयर करें. मेरा खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करें. ओके.